चलिए भैया देखिए बस लास्ट टॉपिक है हमारी खत्म हो जाएगा फिर बड़ा बढ़िया चीज है जहाँ से खूब पसंद पूछे जाते हैं। आपको हम ये बता दें कि एक बीमारी देखिए आंखों में अलग अलग प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं। आपको ये भी बता सकते हैं कि किसी में जो कोई चश्मा पहने हुए हैं उसमें कितना कितना पावर का है ना समझे कितना पावर कितना बढ़िया बढ़िया होना देर नौकरी का क्वेश्चन होता है। इन बीपीएससी का भी नौकरी नहीं पूछता ना समझे इतना बहुत बढ़िया से बता सकते हैं। अगर किसी आपने चिट्ठा दे दीजिएगा उसका आंकर कितना खराब है वो हमको भी समझ में आ जाएगा। ये पढ़ना पड़ता है ना समझे इसको डिटेल से अगर पढ़ा देंगे आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए पहले देखते हैं क्या क्या बात है इसमें। आपको बता दें दृष्टि दृष्टि का मतलब क्या होता है देखना और दोष का मतलब पूरे दिक्कत हो गया भैया तब और देखने में दोष कभी हो सकता है आपका जब आंख खराब है तब मतलब आंखों में अलग अलग प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। पहला का नाम है जिसका नाम है निकट दृष्टि दोष। पहला का नाम है निकट दृष्टि दोष मेरे स्पेलिंग में मचाइएगा हो सके गलती हो जाए चलिए। दूसरा का नाम है जिसका नाम है दूर दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष। तीसरा का जो नाम है उसका नाम है जरा दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष। चौथा का नाम है ओ बिंदुकता ओ बिंदुकता ओ बिंदुकता दृष्टि दोष। ये चार प्रकार के होते हैं लेकिन यहाँ के जो अलग अलग प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं उसमें क्या करना होता है वर्णनता का यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है लेकिन यहाँ पे मोतियाबिंद का नहीं क्वेश्चन पूछेगा मोतियाबिंद। ये सब अलग अलग चीज है ये सब हमारी जानकारी के लिए भी क्या होता है। और आपको बता दें कि आजकल ऐसा समय हो गया ना क्या करें कि पढ़ाई एक उद्देश्य हो गया नौकरी के पीछे बिल्कुल जो कि आप मेंटेलिटी है आपका और हमारा ना समझे अभी आपको फुर्सत नहीं है कुछ और करना पढ़ाई करने का अगर आपके पास कुछ होगा ना लग जाए पर आपको बता दें अगर अभी कोचिंग में जाकर अगर हम ये बोल दें कि मेरे कोचिंग में गीता रामायण पढ़ाया जाता है लाइन बाई लाइन ज्ञान निर्धन के बारे में सिखाया जाता है और फ्री में पढ़ाया जाता है खाना भी खिलाया जाता है आइए दो घंटा पढ़ के जाइए हमको ये लगता है 50,000 खर्चा कर देंगे ना मुश्किल से 10 बच्चा पढ़ने के लिए आएगा। लेकिन जैसे ये बोल देंगे कि जीके पीएस मात्र 5 साल पढ़ाया जाता है पढ़ने का जगह नहीं मिलेगा क्या समझे यही बात उसी में अपना क्या कर रहा है सिर्फ काम पे काम है ना किसी भी बिजी हो गया ना पूरा बिजी शेड्यूल है सबका मतलब सब अपने आप में बिजी है ना चलिए कोई बात नहीं। आज लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष को समझिए इस टॉपिक को खत्म करने का प्रयास करते हैं जितना भी जल्दी हो। चलिए मेरे साथ बोलिएगा क्या लिखा हुआ है पहली बात याद है लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष जैसे आपके परीक्षाओं में आएगा निकट दृष्टि दोष जैसे आपके परीक्षाओं में आएगा निकट दृष्टि दोष जैसे आपके परीक्षाओं में आएगा निकट दृष्टि दोष याद रखिए ये सोच लीजिएगा कि लिखा हुआ चीज गलत क्या है क्या है लिखा हुआ चीज क्या है जो परीक्षा में अगर आ गया लिखा हुआ चीज क्या है क्या है बोलन जी कैसे बोलिएगा हाँ गलत लिखा हुआ चीज क्या है फिर भी आंसर देना सही ठीक है लिखा हुआ है निकट दृष्टि बहुत अभी दिक्कत होता है। देखिए लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष मतलब देखना देखने में दिक्कत मतलब निकट ना भैया गलत है जिसको निकट दृष्टि दोष होता है ना जल्दी क्या करता है भैया वो निकट की वस्तु को देख लेता है उपचार करने के लिए किस रेंज का प्रयोग करते हैं और कैसे प्रयोग करना दीजिए आपको जस्ट बता रहे थे मैंने कर दिया था ये देख लीजिएगा ये हमारा आंख है आंख में हमेशा उत्तर लेंस के भांति काम करता है हमारा जो आंख होता है वो 576 मेगापिक्सल का होता है सोनी कंपनी उठा करा दो लेकिन आंख का ऐसा बैकअप को नहीं दे पाएगा इसलिए आंख मैंने भगवान बनाया है गजब बनाया है भगवान भी है देखिए पड़ा होना बहुत जरूरी है उसी प्रकार याद है यहाँ पर जब आप थक जाते हैं ना आपका आंख का नस दिखने लगता है देख लीजिए आप शरीर का करते सुबह जाते हैं तुरंत तो सूचने समय होगा पढ़िए
जो लोग तीन तीन महीने बी एस सी का तैयारी करते हैं उनको बताते हैं कि हजार हजार तुम्हारा चाय और कॉफी पीने पड़ता है, खाना बहुत कम खाता है, चाय पीने से और कॉफी पीने से नींद हमको नहीं आए और थकावट कोई नहीं करता, खूब उमस के पड़ता है, तब तक टी एम बन जाता है रास्ते ठीक, तब लोगों को गाना चल रहा टी एम बन गया जी एम बन गया हम जब गाड़ी लगाई है तो आज लोग भगवान देता है समझे मेरी गाड़ी आवाज करे है ना, तो याद रखिएगा तो आप भी तो ही है आप लोग तो वही देखने जा रहे हैं क्योंकि आपका भी काम कुछ बीपीएससी ले रही है ना समझे। चलिए याद रखिएगा ये होता है जो हम ये है ना ये जब सोलह उसको कहते हैं दृष्टि सिरा है, जब किसी आदमी का जब फोटो आता है ना ये जो फोटो तो होता है ना यहाँ पे रेटिना ये यहाँ पे जाता है फोटो, लेकिन ये फोटो तभी जाएगा जब यहाँ से देख लें हमको देख रहे हैं बहुत बढ़िया से देख रहे हैं किसी को यहीं पे दिक्कत हो रहा अगर आया फोटो यहीं पर कट गया आया फोटो यहाँ पे आके कट गया इसलिए चश्मा लगा दिया कि फोटो बड़ा क्लियरेंस नजर आओ इसलिए क्या करते हैं नॉट फोटो बना रहा ना समझे, तो यही चीज गलती नहीं हो इसको चश्मा पहनते सही बात है। आपको बता देते हैं कि रेटिना पर जो फोटो बनता है ना ये खुद पूछा जाता है ये हमेशा उल्टा बनता है ना समझे, कब उल्टा बनता है उल्टा सर क्या बनेगा रास्ते में, लेकिन देख लीजिए भैया सर जी उल्टा बनता है लेकिन आपको मोहब्बत सीधे देख रहे हैं आपको एकदम सीधे देख रहे हैं आपको बताते हैं कहते हैं ये जो है ना पूरा सब ताश जोड़ा रहता काम मस्ती में क्या समझे पूरा क्लास होता है सब कुछ बोर्ड से क्या समझे पंखा को बंद करना है तो वहां से बंद हो जाएगा, इसका मतलब जब जॉब जब बनता है ना इसको कोई सूचना पहुंचाता है कि चाचा आपको आदमी आया उसको देखना चाहते हैं आप बोले अरे ओके क्या समझे, तब आपको हम देख रहे हैं और आपको देख रहे हैं मतलब हर सेकेंड सूचना आपको पहुंचा रहा क्या समझे, सूचना पहुंचाने के लिए सोडियम अपने शरीर में बहुत जरूरी है सोडियम क्या समझे, इसे देख लीजिएगा एक पंखा बंद कर देंगे तब खतरनाक गर्मी हो जाएगा सबको पसीना छूएगा अच्छा करा जाएगा कहते क्यों क्योंकि भैया पसीना से सोडियम निकल रहा है और आपके बॉडी से सोडियम खत्म हो रहा है और पढ़ा रहना बहुत जरूरी है कुछ पढ़ाएंगे पता नहीं चलेगा तो चक्कर आ जाएगा सोडियम खत्म हो रहा है इसीलिए देखते हैं आप लोग कपड़ा पहन के हूँ झरका झरका काम हो जाता है पसीना से वो बच्ची है सोडियम अगर नमक मिर्च खाने का इतना ही शौक है एक्स्ट्रा पीने का ज्यादा स्वाद आने का शौक है या नमक को पूरा फैला के खाइए ना समझे, नमक फैला के खाइएगा आपका पीवी नमक का नाटन रहेगा 120 में 80 ना समझे और परिणाम खूब बन करेगा और नहीं तो क्या ऐसा है ये है ऐसे बढ़ जाए तो फिर बुलट जाइएगा इसी घंटे डायरेक्ट ले लो क्या होने को बीपी का सो जाइएगा और बैठा आप पढ़ो का कहना ऐसा समझे, तो बीपी तनाटन रहेगा ब्लड प्रेशर अगर तबियत क्या होगा पढ़ने में मन लगेगा क्या समझे, लेकिन आप लोग मैं कहा सुबह सुबह उठ के सीधा चौमिन क्या समझे क्या जमाना हुआ करता था जब सबको खाता था लोग मारी था जी कोई मारी नहीं लेकिन आप तो भैया सीधा डोसा चल रहा है छोला भटूरा चल रहा है कितना खाता है आइए अब घर का खाना खाता कहाँ देखते हैं पहले गोभी इतना टकाता है अगर दूध घर में है तो दूध को पिलाइए अब गोभी गुलदस्ता है इतना बड़ा ना समझे कहाँ से लोग खाद से खाधन लिया है जी तब ये वो गोभी लाइए भटारा हो जाएगा घर में ना समझे बहुत दिक्कत तो याद रखिए किसका फोटो जाता है यहाँ पर ये बोल करके जी हम देखना पसंद करते हैं बस ओके कर देगा वहाँ सूचना भेज देगा सूचना हमेशा आते जाते रहता है इसके फोटो बटन बहुत बढ़िया से बन जाता है उसी प्रकार क्या है यहाँ पे लेंस होता है ये लेंस उल्टा लेंस का होता है इसी के बदले क्या होता है ये होता है किसी को बोलते जो बर्फ होता है ये क्रोमिया का होता है देख लीजिएगा आपके पास सभी का फर्स्ट फोन होगा आपका फोन गिरने के बाद टूट नहीं जाए इसलिए कंपनी और आप क्या करती है टेम्पर गिलास लगा के क्या समझे इसलिए आप अगर टेम्पर गिलास लगा वो क्रोमिया होता है किसी का बुखार लगा ऐसे करके बढ़िया है वो लाता है कंपनी लाता है उखाड़ता है दुकान छिड़का देता है आपका फोन सेफ हो गया इसी वजह से व्यक्ति को नहीं दिखा देता है उसने कहता है लकड़ी बुखार लगा यहाँ पर से लकड़ी चिपका देगा ये चिपका दिया उसको दिखने लगेगा इसलिए हर ऐसा जो आँख मान किया जाता है वो तो दिया जाता है ये बात को उसने बहुत लगा आगे देखिए लेकिन देख लीजिए
जिसको निकट स्थित होता है ना, क्या का बोला है कि निकट का मतलब क्या दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, अंदर क्या दिख रहा है, इसको एक आपको बताने का अलग अलग सुना देते क्योंकि बोर्ड में हो चुका है। ध्यान दीजिए, अरे साफे कर देते हैं, हल्का हल्का अभी जान रहे हैं, हाँ जान जान किए देखिए, देख लीजिए यहाँ पर कोई खड़ा है, इसको निकट दृष्टि दो सही चचा को, चलिए यहाँ देखिए इसका फोटो इस पर जा रहा है, इसका फोटो यहाँ पर जा रहा है, सर तक डाल रहा है, मिस्टेक से आया चचा यहीं पर खड़े हैं, अजय जी ना यहाँ पर ना समझे, इस व्यक्ति का रेटिना कहाँ है, यहाँ है, बंद कर गया यहीं पर, भैया दिक्कत ना हो गया, जब तक इसको यहाँ नहीं कटेगा वो उसको दिक्कत करेगा, अरंत क्या करते हैं अब वैसा चश्मा का प्रयोग करना है जो ढकेल के वहां तक पहुंचा दे, ढकेलने का जो काम करता है, बिखेरने का जो काम करता है भैया कौन करता है, अवकल न करता है, क्योंकि अवकल पीछे कैसे हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑलरेडी फर्स्ट बंद हो गया ना, अब बंद हो गया तब खत्म हो गया, सेव नहीं हो पाया। अरे ये बताइए जी, अभी आपको क्या बताए थे कि अवतल का पर अवतल अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, बोलन जी अवसर है, बोल क्या जल्दी ऐसे ऐसे करिए, अवसारी अवसारी का कुंभ होता है बिखेरना, जिस चचा को दिक्कत है ना लगा देंगे कोई चीज अवतल लगा दीजिए, अवतल बिना के चश्मा को अवतल का, अब जिसको देख लेगा ही प्रकाश यहाँ से आएगा ना, इसका काम होता है प्रकाश को बिखेरना, बिखेर दे ना भैया हल्का बिखेर देगा, हल्का बिखेर देगा, बिखेर देगा, बिखेर देगा, तब चचा यहाँ कटा देगा इसको, तो बहुत बढ़िया से दिखेगा, अच्छा यही है, इसलिए हर वैसा निकट दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए अब ऊपर प्रयोग किया जाए, समझ में आ गया होगा। अच्छा अगला हम बात करते हैं दूर दृष्टि को, गलत है कि सही है, क्या है जैसे परीक्षा में आई दोनों क्या बोलना है, गलत है, आपको बताते हैं कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है, पूछा जाता है कि मायोपिया किस दृष्टि दोष का नाम है, तो निकट दृष्टि दोष का नाम। अगला हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष का, क्या लिखा भाई, दूर मतलब क्या हो गया, गलत हो गया, गलत क्या है, इसको भैया दूर का दिखाई देता है, इसका निकट को दिखाई नहीं देता, समझे, इतना कुछ खबर ऐसे पड़ता है, अच्छा समझे, ऐसे पड़ता नहीं पड़ता है, बहुत दिक्कत है, उसी प्रकार देख लीजिएगा अगर आपने चश्मा ऐसा हो गया लेंस ऐसा बना दिया इसको, देख लीजिएगा इसको दूर का दिखाई देता है, इसको जल्दी करने का देता है, जब यहाँ कलम पढ़ा जाता है तो क्या करता है, सीधे हेल जाता है, यहाँ आके कट जाता है, भैया यहाँ से हो कैसे कट हो, नहीं समझे, और ऐसा चीज को देना है ना जल्दी क्या करे कि भैया यहाँ पर कटा देना, आपको पता है क्या उत्तर का काम क्या होता है, अभिसारी नहीं होता जी, और अभिसारी का मतलब क्या होता है, प्रकाश को सिकुड़ लेना, प्रकाश को इकट्ठा करना, फिर भैया अभी इसको ही पिन्हा दिए, पिन्हा दिए अभी कोई प्रकाश जाएगा ना सीधे यहाँ पर कटवा देगा, तो समझिए क्या पूछेगा, कुछ भैया उस दृष्टि दोष का नाम बताइए जो रेटिना पे बाद करके कटती है, दो दृष्टि दोष उस दृष्टि दोष का नाम बताइए जो रेटिना पे पहले कटती है, निकट दृष्टि दोष ना समझे, बहुत इसका मतलब देख लीजिएगा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, बात समझ में आ रही थी, लास्ट टॉपिक है, मजा आएगा, इसका नाम है जरा दृष्टि दोष, ये सब्जेक्ट हमें हल्का फुल्का सिखाया होगा, बाकी में जब लोग मोटरा हो जाते हैं तो थोड़ा सा चश्मा का प्रयोग होना ही चाहिए, क्योंकि किसी को पेपर पढ़ने में दिक्कत है तो क्योंकि तो उम्र करना है ना तो धीरे दिक्कत हो जाती है, तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जिस व्यक्ति को निकट का भी नहीं दिखे और जिस पर दूरों का नहीं दिखे भैया इसको बड़का सिखाए, बहुत ही कहते हैं ये सब जो होता है सब दरा दरी सब होता है, नहीं होता है, इसका मतलब कि करते क्या आपके घर में देख लीजिएगा ऐसा वाला चश्मा होगा ऐसा वाला मान बड़ा नीला, नहीं समझे, उसमें नहीं कैसा होगा फोटो ऐसा वाला होगा, नहीं समझे, देखे हुए ना देख लीजिएगा भैया जिसको निकट का दिक्कत है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या लगा देंगे अवतल लगा देंगे, इसका मतलब भैया इसको अवतल पिना दो ऊपर में, जिसको दूर का दिक्कत भी है इसको पिना दो उत्तल में, नहीं समझे, पेपर पढ़ कर नजर झुका दे,
किसे पढ़ेगा उठा लेगा ना, समझे ना, समझे झुका उठा के पढ़ता है, एक दिन का ऑफिस में बैठता है सचिवालय सामने ना, समझे, अच्छा बोल, अच्छा ना समझे ना, बोलता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हो गया तू ही फोकसी, इसका भी फोकस होगा, इसका भी फोकस होगा, इसलिए याद रखिए इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं तू ही फोकसी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, कोई दिक्कत है ना, ये बात ध्यान रखिए। अगला होता है चौथा नंबर लास्ट टॉपिक, इसका नाम है ओ बिंदु का, ओ बिंदु का ये क्या होता है सर, देख लीजिएगा, आपको बताते हैं कि देखिएगा अगर कोई व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है उसको अगर आंख में दिक्कत हो जाता है ना तो डॉक्टर को कभी ना बोलता कि ओबेसिटी पढ़ के दिखाओ, उसको बोलेगा जब पढ़ने कहां पड़ेगा ओबेसिटी तो वो कहां पड़ेगा ना, समझे, उसको क्या बोलेगा, उसको ये बोलेगा जो लाठी है ना आपको ये बताना है कि ऊर्ध्वाधर है कि क्षैतिज है, खड़ी है कि सोई है, ये जो लाइन है ना ये बताना कि सोया है कि खड़ा है, ऐसे करके पूछना है उसे, डॉक्टर के माध्यम सही ना कभी बात पर नोटिस करिए ना, समझे, लेकिन क्या करिए आप लोग तो पहले कुछ और पढ़ रहे थे मनोविज्ञान बच्चा किसे पढ़ाते हैं किसे पढ़ते हैं, समझे, अभी बोला किताब पढ़ाने का प्रयास के लिए नए गुस्सा मानना उसके बंद वगैरह नहीं है, जैसे आप लोग कहते हैं आपका भी कुछ और कहते हैं, आप भी वहाँ से आए हैं उनके घर से पास करके आए हैं और हमको घर से बदलकर नए हैं, है ना, हम बहुत बार प्रयास के बाद हम भी पढ़ जाते हैं क्या है मनोविज्ञान में चाहे डेवलपमेंट हो भी गया इसलिए जितने और बोलो उसको मैंने कोई बीएस समझ में आ रहा है कि हमारा टॉपिक है बीएस में, है ना, दिल्ली जैसा है कि दिल्ली से चेन्नई किस रास्ते में पड़ता है, हमने पता है दिल्ली कहाँ है, है ना, चलिए देख लीजिएगा जिस आदमी को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पकड़ने में दिक्कत होता है ना समझने में दिक्कत होता है ना उसको कॉपी होता है ना, समझे, या क्या वैसे जमाने को भी दिक्कत आता है, मतलब कि वह खड़ी लाइन को सोया बता सोया को खड़ा बता देगा वो उल्टा पुल्टा बताने लगता है वैसे व्यक्ति के लिए आपको क्या करना होगा बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना होगा, बेलनाकार लेंस खूब पूछा जाता है, जरा देखिए उसमें द्वि फोकसी का इस्तेमाल करते हैं और वो बिंदु पर भी बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, यहां पर क्या करते हैं आपके लाइफ का चक्र का फुल थ्योरी था, अभी आपसे बचता है ना तो नॉमिनल बचता है, आपको नॉमिनल नहीं पूछता लेकिन नॉमिनल का फॉर्मूला आपको पूछेगा, जैसे दर्पण सूत्र क्या होता है लेंस सूत्र क्या होता है, फोकसता पे जब फोकस में क्या क्या मतलब ये संबंध रहता है उसका लेंस की क्षमता क्या होती है, समझे, आपको यही पढ़ना चाहिए था इसका किसका इस्तेमाल करने वाला पावर है, समझे, यहाँ से आपको बता सकते हैं लेकिन बात इतनी काम होता है कि आप लोग उस चीज़ को इस्तेमाल कर लें जो आपको जरूरत है ना, आपको ये लगता है कि और मतलब अगर आप अपने घंटा बनते हैं तो काम रेडी हो जाएगा हमारे पास आज रहने देते हैं बस यहाँ एक ठीक है और हमारी मुलाकात अगले रही बात और आप ऐसे स्टेज पर खड़े होना कि मात्र एक स्टेज आपको न गिरा दे, यहाँ से कोई मिस्टेक कर दिया भैया गेम ओवर, समझे, आपको पिछल का सीढ़ी देखना ही नहीं है क्या, आपको पता है कि सिकंदर महान सिंह था, समझे, यहाँ तक सिकंदर बना कोई है भी नहीं, आपको पता है कि सिकंदर जैसे जब किसी को मारने के लिए जाता था ना जब कोई पुल टपता था ना बंद कर दिया वो सभी बढ़िया।